सुनंदा अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर आपका मीडियम हिंदी है इंग्लिश? सर हिंदी मीडियम है मेरा। अच्छा। यस। इंग्लिश में दे पाएंगी? सर थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा सर। अच्छा। यस सर। जितना कंफर्ट हो आपने इंग्लिश में बोलेंगे। जी सर। सर सॉरी सर मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है कंटिन्यू करिए। सर मेरा नाम सुनंदा बघेल है और मैं बड़वानी जिले के ठिकरी की रहने वाली हूँ। मेरा जो 10th तक का स्कूलिंग है वो ठिकरी से हुआ है और जो 12th का है वो खलवाट से हुआ है और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो SGS ITS इंदौर से हुआ है। वर्तमान में मैं इंदौर में अध्ययनरत हूँ। कंप्यूटर साइंस आपका वहाँ इंजीनियर ब्रांच, आपने वहाँ जॉब को नहीं प्रेफर करी? सर मुझे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट था सर और ग्रेजुएशन के दौरान मतलब मुझे इस बारे में थोड़ी जानकारी मिली। पहले मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, जैसे ग्रेजुएशन मैं कर रही थी उसी दौरान मुझे पता चला और सर मेरा इंटरेस्ट इधर आया तो मैंने फिर सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सिविल सर्विस में क्या आपको इंटरेस्ट आया था, किस तरह का इंटरेस्ट था? सर ग्रेजुएशन के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं अपने इधर ज़्यादा बेस्ट दे सकती हूँ, जैसे मेरी क्षमताओं के आधार पर मुझे ऐसा लगा कि मैं इधर ज़्यादा बेस्ट कर सकती हूँ तो इसीलिए सर मैं इधर आई। जैसे सर मेरी क्षमताओं में सर मैं ईमानदार हूँ और सर नेतृत्व भी कर सकती हूँ तो सर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से बेस्ट मैं इधर सिविल सर्विसेज में कर सकती हूँ इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। नहीं तो कंप्यूटर साइंस से भी आप अच्छा कर सकती थी, बहुत बढ़िया लोगों बात कर सकती। जी सर मैं डिग्री तो आपकी बेकार हो गई फिर? नो सर, सर बेकार नहीं हुए सर, मैं उसका जो मैंने वहाँ पे सीखा है सर जो ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज में सर मैं उसका यूज इधर सिविल में भी मतलब ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ सर। एक इंजीनियर बनाने के लिए गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है, आप कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं और आप पे कितना पैसा खर्च कर गया, तो कोई पैसा मतलब वेस्ट हो जाएगा? सर वेस्ट नहीं होगा सर, क्योंकि जो मैंने सीखा है सर वो वेस्ट तो नहीं जाएगा, उसका यूज मैं इधर कर सकती हूँ सर, प्रशासन में भी यूज कर। कैसे कैसे उदाहरण दीजिए? सर जैसे कि वर्तमान में सारा डिजिटली चल रहा है सर, तो जो मेरा कंप्यूटर का नॉलेज है मैं उसको डिजिटल रूप से सर इधर यूज कर सकती हूँ सर, जैसे क्रियान्वयन अच्छे ढंग से सर डिजिटली होगा तो अच्छे से होगा और टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा सर, मतलब पेपर वर्क भी ज़्यादा नहीं होगा। नहीं सर, बीन है कंप्यूटर इंजीनियर, आप जो बोल रहे हैं ये तो लेमन वाली बात है, तो कोई हो सकता है। आपने तो उसमें डिग्री ली है ना, तो आपको स्पेसिफिक चीज़ बताइए कि मैं यहाँ पे ये इंटरवेंशन कर सकते हैं, हम लोग ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आप बताइए। ये जो बोल रहे डिजिटल में सब कुछ होता है तो कोई लेमन जानता है, आप एक इंजीनियर तो वो बताइए मुझे स्पेसिफिक। सर जैसे कि सर AI का यूज भी आजकल हो रहा है सर, तो AI के बेस पे भी सर मैं कुछ कर सकती हूँ सर, अच्छा बेस्ट मतलब अपना दे सकती हूँ सर। कोई आप लेमन वाली बात कर दो, कैसे मुझे उदाहरण दो एग्जैक्ट, आपकी डिग्री का प्रशासन में कैसे आप अच्छा यूज करोगे उसकी बात सर, कोई उदाहरण के साथ। ग्रीवेंसेस रिडक्शन में मैं इसका यूज कर पाऊंगी, ये हेल्पलाइन में कैसे कहाँ करेंगे आप कर देंगे? सर ऐसे देखा जाए तो सर हेल्पलाइन वगैरह में तो सर अभी भी यूज हो ही रहा है सर उसका। सर तो कोई के कुछ ऐसा हो जहाँ पे आप लगता है हाँ वहाँ नहीं है वहाँ यूज हम कर सकते हैं सोचिए। सर जैसे मैं सर जितना मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी सर, जैसे ग्रामीण एरियाज में और सर जैसे अभी नहीं है सर टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ नहीं होता है, तो मैं अपने आधार पे मतलब वहाँ लोगों को जागरूक करके टेक्नोलॉजी के लिए सर कुछ कर सकती हूँ। टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? सर टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब सर कोई भी काम आसानी से सर किया जा सकता है। अच्छा। तो जो काम पहले पूरा था वही काम होता है कि दूसरा काम भी होता है? सर जैसे कि अभी जो वर्क होता है सर, तो मैनुअली भी जो वर्क होता है सर, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है सर, अगर ऐसे इसको कंप्यूटर के थ्रू अगर किया जाए तो सर वो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा सर और जल्दी से हो जाएगा सर काम उसमें। आपने हेल्पलाइन बात करी कि हेल्पलाइन में हम कर सकते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कुछ एग्जांपल है पास की जो कुछ ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे हेल्पलाइन नहीं है वहाँ एक्सपीरियंस करें या एक तो कुछ कर पाए? सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है। जैसे अपन उस दिन बात करें तो जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं है ना, या सुन नहीं पाते हैं,
उनकी कोई ग्रीवेंसेस है तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर उसका होना चाहिए जहाँ पे वो वीडियो कॉल पर बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, साइन लैंग्वेज जानते हैं तो हाँ यूज़ कर सकते हैं कि कुछ हेल्पलाइन नंबर आके उनको वीडियो कॉल कर सके, वो अपनी प्रॉब्लम बोल पाए। ऐसा होता है या नहीं होता है नॉलेज आपको उस क्षेत्र का? सर उसके लिए फिर सर जैसे सर मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रही कि अगर जैसे जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो अगर उन मतलब उनसे अगर वीडियो कॉलिंग वगैरह पे बात की जाए तो सर उसके लिए मतलब उनकी लैंग्वेज अपन को समझ में आए ऐसा सर मतलब एक सर वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए सर। सॉफ्टवेयर AI के थ्रू कुछ कर सकते हैं उन लोगों को ताकि उनकी ग्रीवेंसेस को रिकॉर्ड किया जाए फिर यहाँ से कोई उनको हेल्प दी जाए। सर कर सकते हैं लेकिन सर इसके बारे में मुझे अभी ज्यादा आइडिया नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल उदाहरण दिया है कि ये कांसेप्ट है क्या आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? जी मैम एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं मैम पर अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। चलिए आपको हम मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है आप पुलिस विभाग में आते हैं जी सर तो वहाँ कंप्यूटर डिग्री का जो आप इंजीनियरिंग का है उसको कैसे यूज करेंगे साइंस? सर सर जवाब में आपकी रुचि नहीं है क्या? नो सर। अच्छा क्या आपकी प्रेफरेंस क्या है? सर प्रेफरेंस सर डीसी की है। डीसी की अच्छा वहाँ कैसे यूज करेंगे डिग्री? सर सर इसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आपका माध्यम भी हिंदी है सुनंदा, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी सुनंदा का मतलब क्या होता है? सुनंदा का मतलब होता है कि मुबारक हो बहुत मन भावन और एक सफेद गाय भी होता है। आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है? कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखी हैं आपने? सर मैंने सी और सी प्लस प्लस सीखी थी सर। अच्छा और जो हम वेब डिजाइनिंग करते हैं उसमें जनरली सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली लैंग्वेज कौन सी है? सर PHP। PHP तो उसके बारे में कोई कोर्स किया आपने कुछ? नहीं सर नहीं कोर्स वगैरह नहीं किया सर। DBMS क्या होता है? सर सर मतलब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें डाटा को मैनेज सर मतलब डाटा मैनेज किया जाता है सर किसी भी इंस्टीट्यूट का हो या फिर सर कोई भी मतलब सर कर्मचारियों वगैरह का हो तो वो डाटा मैनेज किया जाता है सर। DBMS का मतलब क्या होता है? डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है ना जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे किसी सर्जन को आना है उस पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए। कोई आप पहले इंजीनियर नहीं जो मतलब सिविल सर्विस में आ रहे हैं इंजीनियर आ रहे हैं तो आप लेकिन अपनी बात को क्यों आना चाह रही है क्या बेहतर कर सकते हो फिर जिस डिग्री को आपने लिया है उसको प्रशासन में कैसे यूज करोगे? अरे आपकी डिग्री का स्ट्रेंथ यूज है सबसे सही यूज है स्पेशली कोविड के बाद कंप्यूटर साइंस ही है सब कुछ चला रहा है सारा डेवलपमेंट इसी बेस पे हो रहा है अभी। आपका आइडिया होना चाहिए क्रिएटिव, आप इंजीनियर हो जी सर आपका आइडियाज ही नहीं है डिग्री को लेकर तो या तो डिग्री अपने टाइम पास किया है वहां भी अगर पढ़ते रहे या फिर यहाँ पे तो ये चीज बहुत अच्छा DBMS है ये तो पता ही होना चाहिए आपको टेक्नोलॉजी का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उपयोग आप कर सकते हैं है ना तो आप कोई योजना बता सकती हैं क्या ऐसी जो कोई यूज होती हो या अभी बहुत प्रचलित भी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लाडली बहना योजना कैसे प्रचलित है ये? सर मतलब अभी वो ही प्रचलित है सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सुना आपने? हाँ सर सुना है सर। क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है?
सर फसलें जो खराब हो रही है सर, मतलब मौसम वगैरह के कारण, तो अगर उनका बीमा है सर तो उनको मतलब सर जो फसल खराब हुई है उसका सर मतलब मुआवजा वगैरह मिलेगा सर? तो वो कैसे मिलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो उसका वो है कि वो कैसे मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल पहलू क्या है उसके अंदर? स्मार्टफोन का यूज हो रहा है उसमें, है ना? स्मार्टफोन से आप फोटो खींच के कैप्चर करो, जीआईएस लोकेशन को टैग करके आप उसमें पोर्टल में डालिए और आपको उसमें बीमा की राशि जो है आपके खाते में आ जाएगी, उसी बेस पे वैल्यूएशन हो कर आएगी, है ना? Yes, ma'am. सर मैं स्टडी कर रही हूँ। अपार्ट दैट ये कि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो आप हम एक पूछ रहे हैं, आप तीन चीजें बता रहे हो, जहाँ हमने चीजें नहीं पूछी वहाँ पे भी आप बता ही रहे हो। इससे होगा क्या कि आप अपने ही जाल में खुद फंस जाएंगे। Yes, ma'am. है ना? दूसरा है कि जब भी आपको बोलना, तो इतना सटीक उदाहरण बोलना है कि उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन ही ना बचे बोलने के लिए। मतलब आपके ही जो आंसर आप दे रही हैं उसी से हम क्वेश्चंस बनाते ही जा रहे हैं। हम लोगों ने कोई अलग से तो कुछ पूछा ही नहीं आपसे। अरे नगर पुलिस से आपने उस पर मतलब वहाँ सुन रहा कि बेसिक बुनियादी जानकारी नहीं है, तो आप थोड़ा जानकारी, अभी हमने आज आपका कुछ भी सिलेबस नहीं पूछा है, हमने अभी पॉलिटी हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछे, अभी केवल लैब से पूछे, तो इसमें अभी बहुत काम करनी जरूरत है। चलिए थैंक यू, अगला मौजूद दीजिएगा तो उसमें इनपुट करके आइए। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? सर जैसे ये आपने जो इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन किया था सर, मुझे इस पे जवाब मतलब ऐसे देते नहीं आ रहा कि मैं सर एक्चुअल प्रॉब्लम अगर बताऊँ तो सर मुझे उधर और मतलब कवर नहीं कर पा रही थी मैं इंजीनियरिंग का, इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज का चयन किया था सर। तो इसीलिए फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करी और इधर मैंने अपना मतलब बेस्ट दे दी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो जिस बैकग्राउंड से आप पढ़ के आ रही है उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो भले आपको इंटरेस्ट ना रहा हो, आपने ना पढ़ाई की हो, लेकिन आपको थोड़ा सा जो बेसिक स्किल्स है ना उसको ब्रशअप करना ही पड़ेगा। और हमने ये नहीं पूछा है कि आपके सिलेबस के पेपर कौन से थे और किस पेपर में क्या हो, हमने पूछा कि ये डिग्री जो है इसको जस्टिफाइड कर दो कि इसको आप कैसे यूज करोगे प्रशासन में। उसके लिए क्या कहना है तुम्हें, जो नई नई टेक्नोलॉजी और स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की, वो कैसे यूटिलाइज हो रही है, नए कंसेप्ट क्या आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में ऐसा क्या डेवलपमेंट है जो सरकार के काम में आ रहा है, उससे आपको अपडेट रहना है। जैसे कि सर ने बोला है ई मंडी वाले पोर्टल है, कृषि उपार्जन वाला है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाले सिस्टम्स हैं, जो भी चीज़ें अपडेट आ रही हैं, आप जी मैप से क्या अपलोड कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से पोर्टल्स हैं, कौन कौन से सर्वे अभी मामलों में हुए हैं जिसको आप कैसे यूज़ कर सकती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ कर सकती है, जैसे कि डेफ और डम लोगों के लिए ऐसा कोई अगर सॉफ्टवेयर आप बना सकें कि वो वहाँ से साइन लैंग्वेज में बोल रहा है तो हमको कन्वर्ट होके मिल जाए चीज़ें कि वो क्या बोल रहा है, तो हमें एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंटरप्रेटर तो समझते होंगे, ट्रांसलेटर होते हैं, तो वो चीज़ें हमें हो जाए। तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा अपने जवाब में रखने हैं कि मैं वर्क करो स्मार्ट, ठीक है? अगले में आप होते हैं, अगले में सब्जेक्ट्स पूछेंगे तो वहाँ थोड़ा सा और डर जाएगा, ठीक है? नॉर्मल ही था, ये भूल जाता हूँ। अच्छा अपने नाम के मीनिंग पे और थोड़ा वर्क करके आना। थैंक यू।